हेलो एवरीवन। बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहले समझ लो, फिर बाद में नोट डाउन करना। जो चैप्टर का नाम है वही हमारा पहला क्वेश्चन होगा। जैसे चैप्टर में लिखा गया, हमें क्या समझना है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले जो मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा, वो किसका मीनिंग समझाऊंगा, मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट किसे कहते हैं। मैनेजमेंट का मीनिंग समझने के लिए 3 बातों को याद रखना। एक में पहले जो लाइन है वो आपको दिखा दूं, है क्या लाइन, अभी खाली रीड करेंगे, बाद में नोट डाउन करना। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, यहाँ पे क्या लिखा, 3 वर्ड्स जो याद रखना। कह रहा है मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम काम करना चाहते हैं, हम अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। और मेन पॉइंट क्या है, गोल्स को आप अचीव कैसे करोगे, जो 2 वर्ड्स हो रहा है, अफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बेसिकली इसे समझाने से पहले मैं 2-3 बातें आपको और बता दूं। बेटा 12th क्लास में केस स्टडी काफी आएंगी, आपको पता होना चाहिए। आपके 80 मार्क्स में से एटलीस्ट 50 मार्क्स किसके होंगे, केस स्टडी के होंगे मिनिमम साइड पे। 30 मार्क्स का डायरेक्ट पेपर आएगा, स्कूल वाले तो ये भी कह सकते हैं कि 60 या 70 नंबर की केस स्टडी होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 50 से 55 नंबर की केस स्टडी होती है। बाकी पेपर क्या होता है, डायरेक्ट होता है। तो बेटा जिस पॉइंट पे केस स्टडी आएगी, मैं समझाते हुए आपको पहले बता दूंगा कि इस पॉइंट पे क्या आ सकती है, केस स्टडी आ सकती है। तो दोबारा समझते हैं क्या है यहाँ पे, जो मैं 3 वर्ड्स आप पे डिस्कस करूंगा ना, तीन, उन्हीं 3 पे केस स्टडी बनेगी, इवन 3 की जगह इन 2 पे बनेगी। क्या लिखा मैंने, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है किस चीज का, जिसमें हम अपने गोल्स को अचीव करवाना चाह रहे हैं। और कैसे गोल्स को अचीव कराना चाह रहे हैं, अफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि प्रोसेस क्या है, अफेक्टिव का मीनिंग क्या है और एफिशिएंट का मीनिंग क्या है। सबसे पहले प्रोसेस क्या है, इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। बेटा देखो, प्रोसेस वर्ड आज तो आपको मे बी कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपकी बीएससी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए की वेटेज कितनी है, 50। पार्ट बी की वेटेज कितनी है, 30। जो पार्ट ए है 50 मार्क्स का, उसमें पहला चैप्टर तो बिल्कुल ही अलग है जो हम पढ़ रहे हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड चैप्टर बिल्कुल अलग है, सेकेंड कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे फियोलो टेलर के प्रिंसिपल है। तीसरा चैप्टर कौन सा, बिजनेस एनवायरमेंट। इसके 5 जो चैप्टर है ना बाद, वो कॉन्टिन्यूटी में 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के। भैया कौन कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हमेशा सीक्वेंस में याद रखना, ये 5 फंक्शन होते भी सीक्वेंस में, पहले प्लान बनता है, देन उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, देन स्टाफ, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग। तो प्रोसेस कुछ नहीं है, प्रोसेस इन 5ों चीजों का क्या है, कॉम्बिनेशन। प्रोसेस क्या है, कॉम्बिनेशन है इन 5 चीज का, किसका, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। क्या भैया प्रोसेस पे कोई क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए मैनेजमेंट बनता कैसे है, मैनेजमेंट होता कैसे है। मैनेजमेंट में जब हम दूसरों से काम करा रहे हैं, अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं, तो 5 चीजें करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। ये तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, लेकिन मेन पॉइंट जो आपको 2 याद रखनी है, जो की वर्ड्स है जिसपे सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, उस पर सबसे ज्यादा फोकस देगा कोई, और वो कौन से हैं, अफेक्टिव, एक तो अफेक्टिव, और एक कौन सा है, एफिशिएंट। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अफेक्टिव क्या है और एफिशिएंट क्या है। जब हम अपने गोल्स को अचीव करने की बात करेंगे, तो उसे अफेक्टिवली अफेक्टिवली भी अचीव करना और साथ में एफिशिएंटली, क्या फर्क है दोनों में, बात को सुनना बड़े ध्यान से। अफेक्टिव एंड एफिशिएंट सबसे रेलेवेंट है इसमें, जो आपको ध्यान से समझना है। देखो बेटा, जब आप काम कराते हो ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एज ए बिजनेसमैन या एज ए मैनेजर आप क्या चाहते हो। आपने 2 चीजें चाहोगे, पहले समझ लो क्या 2 चीजें चाहोगे, आप क्या चाहोगे, आपका काम कम से कम खर्चे पे हो या ज्यादा खर्चे पे हो। तो आपको पता है कि एक तो ऑब्जेक्टिव हर एक का क्या होगा, कि मेरा खर्चा क्या है, मिनिमम। एक ऑब्जेक्टिव तो हमेशा क्या रहने वाला है, मिनिमम कॉस्ट। अच्छा, एक दूसरा ऑब्जेक्टिव, आप हमेशा ये चाहोगे कि काम टाइम पे कंप्लीट हो,
टाइम इज मनी आपने सुना होगा, अगर टाइम पे कंप्लीट हुआ तो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस डूब सकते हैं। आपने कोई टारगेट लिया था कि हम आपके गुड्स की डिलीवरी करेंगे विद इन 1 मंथ, और अगर आप नहीं कर पाए तो आपकी बिजनेस की इमेज बिल्कुल ट्रेनिश बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो आप ये भी चाहते होंगे काम मिनिमम खर्चे पे हो, और मेन पॉइंट किस पे हो, राइट टाइम पे। हर कोई बिजनेसमैन यही तो चाहता है। क्या है बिजनेस में भाई, अपने काम को अचीव करो कम से कम रेट पे और राइट टाइम पे। लेकिन अब आपको पेपर में क्या याद रखना है कि मिनिमम कॉस्ट क्या है और अफेक्टिव किससे रिलेटेड है, याद रखना। जो अफेक्टिव है ना, अफेक्टिव का फोकस खाली किस पे है, राइट टाइम। मैं कब कहूंगा कि आपके वर्कर अफेक्टिव हैं, अगर वो काम को किस पे कंप्लीट कर रहे हैं, राइट टाइम पे। और मैं कब कहूंगा कि आप एफिशिएंट हो, जब आप किस पे काम करोगे, मिनिमम कॉस्ट पे। इस पे केस स्टडी आती है। कैसे आती है मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। बात करते हैं मैं निखिल एसोसिएशन की यहाँ पे, निखिल एसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल मैं टी शर्ट की फैक्ट्री लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं वर्कर से काम करा रहा हूँ, मैंने टारगेट सेट किया कि मुझे 1 महीने में, ये सब लिखा होगा क्वेश्चन में, पूरी केस स्टडी, मुझे 1 महीने में 1,000 टी शर्ट प्रोड्यूस करनी है, और किस रेट पे प्रोड्यूस करनी है, 500 रुपीज पर टी शर्ट मेरा खर्चा आना चाहिए। ये मेरा था टारगेट। अब एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में 3 सिनेरियो बनेंगे। अगर 1 महीने में 1,000 टी शर्ट किस रेट पे बना पाया मैं, 500 रुपये के रेट में, तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे यहाँ पे मैनेजमेंट अफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है, कहीं पे कोई कमी नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये आया, आपने 1 महीने में 1,000 टी शर्ट तो प्रोड्यूस कर दी, प्रोडक्शन तो होगी, लेकिन आपने लेबर से दिन रात काम कराया, आपका खर्चा आया 700 रुपये। तो अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन आता है कि आप क्या कमेंट करोगे, क्या आप अफेक्टिव हो, पहली बात, यस और नो, आप अफेक्टिव हो या नहीं। ऑफ कोर्स हम क्या है, अफेक्टिव, क्योंकि हमने हमने राइट टाइम पे काम कर दिया। लेकिन क्या हम एफिशिएंट हैं, हम एफिशिएंट नहीं है। अगर बिजनेसमैन कहीं पे भी फेल हुआ, चाहे अफेक्टिव में चाहे एफिशिएंट, तो बेसिकली आपका मैनेजमेंट का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। या एक तीसरा एग्जांपल क्या बन सकता था, मैंने लगाए तो 500 रुपये ही, लेकिन 1,000 टी शर्ट बनाने में मुझे 2 महीने लग गए, उस केस में क्या कह देंगे हैं कि हम एफिशिएंट है, अफेक्टिव नहीं है। बेटा याद रखना इस बात को, एफिशिएंट इज मिनिमम कॉस्ट, अफेक्टिव इज राइट टाइम। जब तक आपको ये दोनों बातें नहीं पता, तब तक बेसिकली आप गलती करते रहोगे, और केस स्टडी में काफी आप क्या कर सकते हो, ब्लंडर कर सकते हो। तो आपको अफेक्टिव भी याद रखना है, एफिशिएंट भी। देखो मैंने आपके साथ 5 मिनट डिस्कशन किया कि व्हाट इज अफेक्टिव, व्हाट इज एफिशिएंट। आओ बेटा, अकेले हो या कोई और, हम भी कहा है बेटा, गेट को बंद कर दो एटलीस्ट। अभी मैंने एक कंसेप्ट पूरा का पूरा आपको समझाया है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इसे मैं अभी रिवाइज करा दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप क्या करो, अभी के लिए आप एक काम करो, अपनी नोटबुक खोलो जल्दी से बेटा, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बेटा मेरे प्रिंटेड नोट्स भी हैं, हैंड रिटन नोट्स भी हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको बनाने हैं यहीं पे, प्रिंटेड नोट्स बेसिकली एक रेफरेंस के लिए। जो मैंने अभी आपको 10 मिनट में डिस्कशन कराया ना, मैंने आपको मैनेजमेंट का मीनिंग बताया, मैंने मैनेजमेंट के मीनिंग के साथ आपको किसका मीनिंग बताया, एफिशिएंसी का मीनिंग बताया, किसका मीनिंग बताया, अफेक्टिवनेस का मीनिंग बताया। मैंने तो बड़ी शॉर्ट में आपको समझा दिया, यही कंसेप्ट प्रिंटेड नोट्स में लगभग 1.5 पेज में लिखा हुआ है हमने उसे। अब जब हम अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, इसी 1.5 पेज को हम कितने में कवर करेंगे, 2 लाइनों में, और 2 लाइनों में ऐसे कवर करेंगे कि कुछ मिस भी नहीं होगा। एक लाइन आप मैनेजमेंट की लिखोगे जो मैंने समझाई, फिर उसके बाद एक लाइन आप अपने नोट्स पे किसकी लिखोगे, अफेक्टिवनेस की, और एक लाइन किसकी लिखोगे, एफिशिएंसी की। अभी पहले जल्दी से इसे नोट डाउन करो, फिर मैं रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि जो बच्चे लेट आए उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि हम चल क्या और क्यों करते हैं।
पहले बेटा चैप्टर का नाम लिखो, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, और इसे हेडिंग लिखने के बाद ये दो लाइनें लिखो जो मैंने यहाँ पे आपको समझा रखी है। बेटा मैंने अभी आपको देखा जाए तो एक मीनिंग समझाया, व्हाट इज मैनेजमेंट, क्या बताया। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है किस चीज का, जिसमें हम अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं। इवन मैं सही बताऊं, पूरे बीएचटी में जब भी कोई लाइन ना समझ आए ना आपको, तो एक काम जरूर लिख देना, एक नंबर मिल ही जाएगा। इतनी बात की गारंटी है कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं, गोल्स को अचीव करने के लिए। धीरे धीरे दो तीन लाइनें और बताऊंगा, वो कहीं पे भी लिख देना, मतलब वो नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, कभी नहीं होगा कि नंबर कटेंगे आपसे। तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम क्यों कर रहे हैं, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, लेकिन मेन पॉइंट एफिशिएंसी के साथ और अफेक्टिवनेस। मैं कहता हूँ एफिशिएंसी और अफेक्टिवनेस तो आपको बाद में समझाया ना, मैंने कहा एज ए मैनेजर आप क्या चाहोगे। एज ए मैनेजर चाहोगे कि काम हमेशा किस पे हो, मिनिमम कॉस्ट पे, और काम हमेशा किस पे हो, राइट टाइम पे। तो बेटा इस पे काफी केसेस स्टडी आएंगे जो हमने काफी एग्जांपल डिस्कस करे। याद रखना एफिशिएंसी को, ये इसी एफिशिएंसी को मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, एफिशिएंट, एफिशिएंट या एफिशिएंसी। इसका पूरा फोकस किस पे है, काम किस पे होना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट पे। हर एक बिजनेसमैन का ये गोल है, हर कोई चाहता है कि मेरी जेब से खर्चा कम से कम हो। और अफेक्टिव का गोल क्या है, अफेक्टिव का हमेशा गोल क्या है कि काम किस पे कंप्लीट हो, राइट टाइम पे। याद रख लो अफेक्टिव और ये एफिशिएंट या एफिशिएंसी। क्लियर है, समझ आया। अब ये क्वेश्चन इशू बनता है बहुत ही अच्छा, खतरनाक, एसडी वाले जैसे आजकल वैसे भयंकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा। बीएसटी में भी अगर पूछने लगे कोई, तो मैं पहले उस क्वेश्चन को क्लैरिफाई करता हूँ, आपको ना एक केस स्टडी देंगे पूरी की पूरी अच्छे से, और आखिरी में ये पूछेंगे कि आप बताओ क्या यहाँ पे मैनेजर अफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों में से क्या है, और क्या होगा अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी। जैसे मैंने तीन अभी आपको एग्जांपल दिए थे, मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो पता क्या करते हैं, मैं सीधा क्वेश्चन देता हूँ। 1,000 क्या ही बनाने का टारगेट रखते हैं, टी शर्ट कितने टाइम में बनानी है जी, 1 महीने में। टारगेट क्या है कि कितने रुपए का खर्चा आना चाहिए, 500, ठीक है। उसने कहा आपने टी शर्ट बनाई 500 रुपए के रेट पे ही, उसने बस ये बोला टी शर्ट बनाई 500 रुपए के रेट पे, उसने ये नहीं बताया कितने टाइम पे बनाई। इस पे क्वेश्चन क्या था, साइलेंट, चुप। बेटा मैं तो पता है ना क्या आ सकता है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है। अब देखो 500 रुपए का खर्चा होना चाहिए था, 500 रुपए में बनाई आपने, काम तो मिनिमम कॉस्ट पे किया, आप एफिशिएंट तो हो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो कह देता काम 1 महीने में ही हुआ, तो मैं क्या भी कह देता, आप अफेक्टिव भी हो, क्या भी हो, अफेक्टिव भी हो, अगर कितने महीने में किया, अगर वो बोल देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है, अब क्या माने भाई, ये तो एजम्पशन है, उसने नहीं बोला कि कितने टाइम में काम हुआ, तो हम क्या मानेंगे कि आप अफेक्टिव हो, हैं, हम क्या मानेंगे। उन्होंने तो ये कहा था 1 महीने में टारगेट, मतलब ये हमारा टारगेट था, एक्चुअल में क्या हुआ उन्होंने बोला ही नहीं। एक्चुअल में अब हम क्या माने कि 1 महीने में काम हुआ होगा या 1 महीने में काम नहीं हुआ होगा। अब बेटा देखो यहाँ तो आप कैसे सोच सकते हो, आप इतना लॉजिकल डिसीजन कैसे ले रहे हो भैया, तुक्का ही है भैया, आप बता दो क्या असम्पशन लगेगी और क्या। बेटा सिंपल सी बात है, आप सोच कैसे रहे हो ये तो बताओ, आप सोच ही नहीं सकते, ये तो मैं ही बता रहा हूँ। बेटा क्वेश्चन के अजम्पशन में ये माना जाता है, माना जाता है, इसमें कोई भाई साइंस नहीं लग रही, माना जाता है कि अगर जब कुछ क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मानेंगे कि उसने वो काम टाइम पे कंप्लीट कर लिया होगा। इट मींस वो वर्कर, वो मैनेजर क्या होगा, अफेक्टिव। एक और बात, इस पे लड़ाई हो सकती है, क्योंकि स्कूल के टीचर को ये समझाना बहुत मुश्किल होता है। स्कूल के टीचर पता क्या कहते हैं, बेटा जाओ बुक में क्या आंसर दे रखा है ये देख के आओ, बुक में भी आंसर जनरली क्या ही होगा। जिस पे क्वेश्चन साइलेंट है हम मानेंगे कि वो काम टाइम पे ही कंप्लीट हुआ, और अगर क्वेश्चन कॉस्ट पे साइलेंट हुआ तब भी हम मानेंगे कि काम किस पे हुआ है, मिनिमम कॉस्ट पे। इस बात को याद रखना, मैं केस स्टडी वाले दिन ये चाहता ही नहीं कि आपको कोई डाउट है, मैं कंसेप्ट के साथ ही आपको बता दूंगा कि
कि भाई इस पे केस स्टडी आ सकती है, ऐसा क्वेश्चन वहां पे आ सकता है। तो इसे यही याद रख लो, यही समझ लो कि जब हम केस स्टडी करेंगे, बेटा आप ना ज्यादातर बच्चों का फर्स्ट लेक्चर है, मैं एक बार जरूर कहूंगा बीएसपी के लेक्चर में, बेटा जितना जिस दिन हो उतना घर जाके 15 से 20 मिनट रिवाइज कर लेना। फर्स्ट डे कॉन्फिडेंस लेवल काफी ज्यादा होता है ना, कल से तेरा भाई ये करेगा, तो उस कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके अभी नए नए जोश में जब घर जाओ तो 15 से 20 मिनट कम बातें कर लेना, कम फोन यूज कर लेना, लेकिन इसे दे देना। जिस दिन मैं केस स्टडी कराऊं, तो बेटा मैं केस स्टडी जब कराऊं ना, तो आंसर मैं ना दे रहा हूँ, आंसर आप दे रहे हो। मैं आपसे अगर 5 दिन बाद ये पूछूं व्हाट इज मैनेजमेंट, तो बैच में हर एक को बताओ व्हाट इज मैनेजमेंट, अफेक्टिव क्या और एफिशिएंसी क्या है ये भी सबको बताओ। क्या ये बात क्लियर है? आगे कंटिन्यू कर। ये हो गया अफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। ये मैंने वैसी वीडियो रखी हुई है, वीडियो रखने का एक सिंपल ऑब्जेक्टिव होता है जिससे कि आपको ना चीजें बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। समझने का मतलब क्या होता है, आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है चीज। आप ये देखना ये वर्कर कितने अफेक्टिव और एफिशिएंट है, अगर ऐसा काम हुआ तो मतलब पक्की बात है आपको उस कंपनी को सक्सेस मिलेगी मिलेगी। मैं प्ले कर देता हूँ एक बार आपको खाली, जिससे समझ में आए कि कितने अफेक्टिव वर्कर भी हैं। एक सेकेंड, प्ले हुई तो नहीं है? आप उसकी स्पीड देखो और एक्यूरेसी देखो, अगर इतनी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ कोई काम कर पा रहा है, हमारे जैसे भी तो एक पे भी ना डले हैं, एक में कम रहेगी। अच्छा ये देख लो फिर, उसमें कम रहेगी थी तो आप ना करने भैया, आज हम भी बनके दिखाएंगे आपको अफेक्टिव। हाँ ये सारे देखो चाइना के लोग हैं, इंडिया के लोग नहीं है, मैं पहले बता दूं आपको। ये तो बेसिकली ज्यादा चाइनीज है बेटा, ये देखो है। हाँ बेटा सारे हैं, जितनी कंपाइलेशन हो सकती थी उतनी कंपाइलेशन कर रखी है। बेटा चलो ये तो मैं आप समझ गए, 3 4 एग्जाम्पल्स आगे, लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल और भी दिखाना चाहूंगा। अभी आप गवर्नमेंट ऑफिस जाओ तो आपको पता चलेगा काम कैसे होता है। अभी तो मैं दिखा रहा था काम कैसे होता है, और जो ये है ना ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कभी आप जाना। उनकी भी गलती नहीं है बेटा, वहां पे 55+ सीनियर सिटीजन टाइप लोग बैठे हैं, जैसे उनके आगे अगर ये माउस है, हमारे ऐसे तो माउस ऐसे चलाते हैं, वहां पे माउस जनरली ऐसे चलता है। अगर उन्हें निखिल लिखना है ना तो वो इसे उठाएंगे अपना आराम से, इस पे देखेंगे NIKHIL, इतने इतना स्लो काम होता है ना वहां पे। और वहीं पे एक जो एफिशिएंट वर्कर है बेटा, ये खाली छोटी सी, इसे तो पूरी देख भी नहीं पाओगे आप, देखने में ही ऐसा लगेगा कि कितना स्लो काम हो रहा है। यहाँ पे ये शो हो रहा है कि इनअफेक्टिव और इनएफिशियंट वर्कर कैसे हैं, ये तो चल भी नहीं रही, इतनी स्लो है ये, कुछ ज्यादा ही बेसिकली इम्प्रोवाइज हो गया, लेकिन बेसिकली शो ये हो रहा है कि काम स्लो कैसे होता है बेटा। ये तो मुझे पता नहीं, जिसने करा है वो लिंक कर पा रहा होगा कि नशा करने के बाद कुछ ऐसे ही होता है। सुना तो मैंने भी ऐसे ही है कि होता है ऐसे ही है नशा करने के बाद। ये देखो बेटा वो वाला एग्जाम्पल आ गया परफेक्ट, कि जिस तरीके से वो लिखते हैं आराम आराम से, है ना। ये देखो मुझे तो समझ नहीं आ रहा सामने वाला बंदा इतना खुश कैसे है, वो इतना स्लो टाइप कर रहे हैं, वो तब तो भी खुश है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा
अफेक्टिव और एफिशिएंसी की कितनी इन्वॉल्वमेंट है, और इनअफेक्टिव और इनएफिशिएंसी का क्या मतलब है बेटा। तो बेसिकली अभी एक कंसेप्ट हुआ, अगली हेडिंग लिखो जल्दी से अपने नोट्स में, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट नोट डाउन करो बेटा। देखो अब मैनेजमेंट के 7 फीचर्स हैं भैया, इस पे केस स्टडी आएगी। हाँ किन पॉइंट पे आएगी मैं वो भी बताऊंगा, और कैसे आएगी मैं वो भी बताऊंगा। पहली बात भैया, 3 पॉइंट तो मैनेजमेंट के फीचर्स ऐसे हैं, 3 पॉइंट जो पूरी इको में बार बार रिपीट होते हैं, जिसे मैं ये भी कहता हूँ, मैं जनरली 2 या 3 कह सकते हैं मेरे, 3 या 2 अनमोल रतन। ये ऐसे अनमोल रतन है जो जहां पे कुछ भी ना समझ में आ रहा हो ना कि इस कंसेप्ट के फीचर्स बता दो, उस कंसेप्ट के फीचर्स वो हो जाएंगे 3 धीरे धीरे। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है इसमें, जो मैनेजमेंट का पहला पॉइंट है, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट अप्लाई कर रहे हो तो आपके गोल्स को अचीव करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। आप प्रॉपर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग से अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हो इजिली, इसी के लिए एक लाइन कही गई है बहुत अच्छी, मैनेजमेंट क्योंकि 5 चीजों से बनते हैं ना, मैंने बताया प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लान पे एक बहुत अच्छी लाइन बोली जाती है, फेल टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आप एक अच्छा प्लान बनाने में फेल हो रहे हो तो आप अपने लिए एक और अच्छा प्लान बना रहे हो, किस चीज का प्लान बना रहे हो, फेल होने का। इसलिए एक प्रॉपर प्लानिंग करना ऑर्गेनाइजिंग करना ये बहुत जरूरी है, जिससे कि हम अपने गोल्स को क्या कर सके इजिली अचीव। तो इसे साथ में नोट डाउन कर लो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट हमारा एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ए गोल, जिसमें क्या लिखना है एक लाइन, जो मैनेजमेंट का पर्पस है वो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना, और गोल्स हमेशा क्या होने चाहिए, सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। बेटा ये लाइन है ना पूरी बीएसटी में कहीं पे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मेन आपको हेडिंग से याद रखनी है। जहां पे बीच के कंटेंट से केस स्टडी बनेगी वो मैं बताऊंगा, इस पे नहीं बनेगी कोई केस स्टडी। लेकिन ये लाइन पूरी बीएसटी में कहीं भी लिख देना कि गोल्स हमेशा क्या होने चाहिए, सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। बिल्कुल सिंपल गोल हो, बिल्कुल क्लियरली स्टेटेड हो, जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट टू समझा दो फिर नोट डाउन करना, और ये 2 तो पक्की बात है, 2 अनमोल रतन है, कहीं भी आएंगे भैया। कौन से, इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस और इट इज ऑल परवेसिव। क्या भैया, इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट इज ऑल परवेसिव। अभी लिखेंगे पहले समझ लो कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, मैं आपको बेवकूफ बनाना भी सिखाऊंगा। हेडिंग में जब कॉन्टिन्यूस लिखोगे तो उसके बीच में लिख देना इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस, इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस। बेटा कॉन्टिन्यूस था, बीच में क्या लिख देंगे, ऑन गोइंग। मतलब देखो बेटा आपको बेवकूफ बनाना है टीचर को, टीचर ने तो हेडिंग देखनी है, उसने देखा कॉन्टिन्यूस आपको नंबर मिलने मिलने हैं। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस पूरी बीएससी में पता ही नहीं कितनी बार आएगा, हमेशा बीच में एक लाइन जरूर लिख सकते हो, इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, कि ये हमेशा चलता रहेगा। मतलब भैया जो कंपनी की प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, ये कभी भी खत्म नहीं होगी। आप एक टारगेट अचीव करोगे फिर दोबारा नए प्लान बनेंगे, जब वो आप अपनी लाइफ पे अप्लाई तो कर सकते हो। आपने 10th क्लास के लिए प्लान बनाया, फिर 11th के लिए प्लान बनाया, अब किसके लिए प्लान बन रहा है, 12th के लिए। जब ये कंप्लीट हो जाएगी फिर आप अपने हायर स्टडी के लिए बनाओगे। मैनेजमेंट कभी भी ओवर नहीं होता, पहले रीड कर लेना फिर लिखना। पहले मैंने गोल ओरिएंटेड बताया, गोल ओरिएंटेड के बाद ये अभी मैं रीजन दे रहा हूँ कि ये मैंने क्यों फोटोस लगा रखे हैं यहाँ पे, ये ऑल प्रवेसिव जब समझाऊंगा। फिलहाल मैंने अभी आपके साथ जो एक लाइन डिस्कस करी वो कौन सी करी है, कॉन्टिन्यूस, जिसमें क्या बताया, जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के वो साइमल्टेनियसली कौन परफॉर्म कर रहे हैं, सारे मैनेजर ऑल द टाइम। मैनेजमेंट क्या है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस। बेटा शायद आपने एक्टिव पैसिव फॉर्म सीखा होगा 9th 10th क्लास में, ये भी उसी तरीके से है। हेडिंग एक्टिव है,
उसके बीच में क्या कर दो, पैसिव कर दो, आपका काम बन जाएगा। टीचर बस एक्टिव पे ध्यान देगा, पैसिव पे ध्यान नहीं देता। एक लाइन लिख लो, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। और बेटा कुछ वर्ड्स सीखो कि आपको पेपर में क्या लिखना है, की वर्ड्स पे फोकस रखो। जो फंक्शंस है मैनेजमेंट के, वो साइमल्टेनियसली कौन परफॉर्म कर रहे हैं, इट इज साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर ऑल द टाइम। कॉन्टिन्यूस का मतलब तो ये है ना कि हमेशा ही लगे हुए हो। मैनेजमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, मैनेजमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, लिख लिया। कॉन्टिन्यूस वाली बात भी याद रहेगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको 7 में से 5 पॉइंट यही याद हो जाएंगे। गोल ओरिएंटेड याद रहेगा, कॉन्टिन्यूस याद रहेगा। तीसरा, जो बीएसपी में बार बार रिपीट होगा, बार बार, इट इज ऑल परवेसिव। आपने सुना है प्रवेसिव वर्ड कहीं पे आज तक? क्या है? एग्जिस्ट एवरीवेयर, यूनिवर्सल, और कुछ, और कोई ऑल परवेसिव के लिए कहना चाहेगा? बिल्कुल यही है, ऑल परवेसिव का मतलब ये हर एक जगह लगेगा। हर एक जगह का मतलब, चाहे आप एक स्कूल चला रहे हो, चाहे आप हॉस्पिटल रन कर रहे हो, चाहे आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो, मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है। चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिग है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हर स्कूल, हर हॉस्पिटल में क्या जरूर लगेगा? मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट ना हो तो इतना वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना? तो बेटा जल्दी से लिखो हेडिंग, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। और बेटा ये बार बार वर्ड आना ही है, हमने लिख दिया कि मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। मैनेजमेंट खाली बिजनेस पे नहीं लगता, ये प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट मेकिंग हर एक जगह लगता है। बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इवन हॉस्पिटल और स्कूल, यहाँ पे भी प्रॉपरली किसकी जरूरत है? मैनेजमेंट की। बेटा स्कूल में तो सबसे ज्यादा जरूरत है ना? 11th 12th क्लास को अगर सही से मैनेज नहीं किया, फिर तो पता नहीं कितने स्कूलों में क्या ही हो सकता है। बेचारे वो क्रैकर ही होते हैं, अभी तक तो दिवाली पे क्रैकर का यूज होता है, पता चला उसके बाद एक बम ब्लास्ट हो रहा है, अगर सही से मैनेजमेंट नहीं हुआ। ये वाली चीज है, हर एक जगह प्रॉपर क्या करने की जरूरत है? मैनेजमेंट। बेटा ये 3 पॉइंट है जो याद रखना इजी है, लेकिन इन पे ऐसा कोई केस स्टडी नहीं आती। आ जाएंगी, मतलब ऑल परवेसिव आएगा तो आइडेंटिफाई हो जाएगा। गोल ओरिएंटेड पे इतना कुछ नहीं आएगा केस स्टडी का, ना कॉन्टिन्यूस पे आएगा। जिस पे आएगा वो है अगले 2 पॉइंट, जिन पे सबसे ज्यादा केस स्टडी आएगी। बेसिकली मैंने अभी आपको 3 फीचर बताए, कौन कौन से? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ऑल परवेसिव और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये 3 हो गए। इसके बाद मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे लिखना, जिसके थ्रू आपको चीजें याद रहे। ये हैं 2 सबसे खतरनाक पॉइंट, खतरनाक इन द सेंस सबसे ज्यादा केस स्टडी इसी पे आएगी। मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन, इस वर्ड से फेमिलियर हो जाओ, ये आपका पीछा पूरे बीएससी में नहीं छोड़ेगा। मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक वर्ड सुना है आप सबने या नहीं? चेंज, बिल्कुल सही बात है। मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक, बेटा मैं बाद में दिखा दूंगा, अगर किसी का कुछ मिस हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है। मीन समझते हुए समझने पे ध्यान दो बेटा। डायनेमिक ना बहुत ही खतरनाक चीज है। डायनेमिक कंसेप्ट ये कहता है, अभी मैं चैप्टर 3 पे इस पे बहुत डिस्कशन करूंगा, फिर भी यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन कर लूँ। हर एक बिजनेस का अपना एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट का मतलब उसके सराउंडिंग्स, और वो कॉन्टिन्यूसली क्या होती रहती है? चेंज। कभी मोदी जी रात को 8 बजे आ जाते हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 की करेंसी लीगल टेंडर नहीं रहेगी। कभी बेटा बिजनेसमैन से पूछना उसकी हालत क्या हुई थी। कभी मोदी जी जाते हैं तो कभी कोविड आ जाता है, कि भाई बिजनेस सही चल रहा था, एकदम कोविड आया, और कोविड से कितने बिजनेस पे क्या आ गया? नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया। तो बेटा ये जो चीजें हैं ना, इवन ये 2 एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। 2017 से पहले जीएसटी किसी को नहीं पता था, 2017 में क्या आ गया? जीएसटी।
ये जितने भी तीन एग्जांपल दिए क्या इससे बिजनेस पे बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं अगर वो अपने आप को टाइम पे चेंजेस ना करे, वो अपने आप को टाइम पे अडेप्ट ना करे। इवन मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, सबसे अच्छा, इस कंपनी का नाम सुना है तुमने, नोकिया। एक समय की, 2005 के समय की बात करूं तो नंबर वन कंपनी थी, नंबर वन। इससे ज्यादा किसी के मोबाइल फोन नहीं बिकते थे, और आज के दिन शायद कोई पूछता भी नहीं, किसी ऐरे गैरे पे नोकिया का फोन मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज किसी के पास है, किसी के पास नोकिया का फोन, किसी के पास नोकिया का फोन नहीं। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि 2005 में सबसे ज्यादा फोन बिकते थे और 2020 22 में इसको कोई पूछ नहीं रहा, क्या रीजन है? उसने टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप में क्या नहीं करे, चेंजेस नहीं करे। बेटा ये लाइफ का पहला रूल है और ये बिजनेस का पहला रूल है। अगर आप अपने आप को या अपने बिजनेस को किसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं करोगे, इन्वायरमेंट में चेंजेस के अकॉर्डिंग, तो आपका सफाया सबसे पहले होगा दुनिया से। जब नोकिया का सीईओ रिटायर हो रहा था, वो पता क्या कह के गया, कह रहा मुझे नहीं समझ आया कि हमने क्या गलती करी कि हमारी कंपनी डूबी। तो उसे मैं बुला के ये कहता, बेटा इधर आ, तूने एक सबसे बड़ी जो गलती करी है वो क्या गलती करी है, तूने चैप्टर वन नहीं पढ़ा बीएसपी का, जिसमें क्या कंसेप्ट था, डायनामिक। आपको अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग क्या करना है, चेंज। अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आपकी कंपनी डूब जाएगी। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल, अगर आप चेंज या अडेप्ट नहीं करते हो। तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन कैसे है, आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, चेंज। किसके अकॉर्डिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकती है, सक्सेसफुल हो सकती है। ये तो एक बताया जो डूबा। अच्छा मैं दूसरा, आप क्या व्हाट्सएप में कॉन्टिन्यूसली अपडेशन आती रहती हैं या नहीं? पहले उसमें एक ग्रुप बन जाता था, जितने मर्जी बंदों को ऐड करो, जितने मर्जी बंदों को तंग करो, जितने मर्जी को फॉरवर्ड करो। फिर उसने देखा ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, तो उसने फॉरवर्ड कितने का कर दिया, 5 का। ऐसे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे अलग अलग टाइम पे अपडेशन आते रहते हैं, ये नहीं आते रहते, क्यों? बेटा ये बिजनेस का पहला रूल है, अगर अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या नहीं होगी, सक्सेसफुल नहीं होगी। क्या बात क्लियर है? तो बेटा लिख लो, मैनेजमेंट को अपने आप को किस में अडेप्ट करना है, मैनेजमेंट हैज टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। अगर आपको एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनना है तो अपने आप को आपको चेंज करना पड़ेगा, अपने गोल्स को चेंज करना पड़ेगा। किसके अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग। आज के दिन अंबानी और अडानी नंबर वन बिजनेसमैन पता क्यों है, क्योंकि वो इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। अंबानी जी की बिजनेस पता है आप बच्चों को, हम बिजनेस की बात करते हैं, तुम्हें बिजनेसमैन का पता भी है कि अंधा पैसा कमा सकते हो तुम बिजनेस से। अंबानी जी के बिजनेस कौन कौन से, आइडिया है किसी को, कौन कौन से बिजनेस चला रहे हैं अंबानी जी? जियो तो अभी आया बेटा, 5 6 साल पहले उसका जन्म हुआ है बेचारे का, 2016 में। तो 2016 से पहले अंबानी जी रिचेस्ट मैन कैसे बने? आज के दिन अडानी है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वर्ल्ड पे थर्ड नंबर पे अडानी। वो तो अंबानी हमारे मुंह पे चढ़ा हुआ है, अडानी बहुत आगे चला गया आज के दिन अंबानी से। बेटा ये कंपनी ना टाइम में अपने आप को चेंज करती रहती है। धीरू भाई अंबानी ने सबसे पहले पता विमल सूट इंडस्ट्री लगाई थी, कपड़ों की इंडस्ट्री। उस समय बहुत पैसा कमाया, उसे टाइम के साथ समझ में आया कपड़ों से मैं अंधा पैसा नहीं कमा सकता, तो वो केमिकल वाले बिजनेस में चला गया, एक्सट्रैक्शन। आज के दिन रिलायंस का एक मेजर रिवेन्यू आता है, उनकी जो आपका समुंदर होते हैं, इंडियन ओशंस है, वहां पे उनकी बड़ी बड़ी वेसल्स लगी हुई है, मशीन लगी हुई है जो फोसल फ्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करती हैं, और वो उसे एक्सट्रैक्ट करके कहाँ पे बेचा जाता है, इंडिया में उस माल को बेचा जाता है, सबसे मेजर रिवेन्यू वहां पे है। लेकिन अंबानी जी को फिर समझ में आया कि भाई लॉन्ग रन में तो फोसल फ्यूल का बिजनेस नहीं चल सकता, तो अंबानी जी कौन से बिजनेस पे शिफ्ट हो गए, जियो टेक्नोलॉजी। इसे कहते हैं एक सक्सेसफुल बिजनेस का पहला पॉइंट, कि आप अपने आप को क्या करोगे, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज। आई होप सो, आज हमने अभी 4 पॉइंट कर दिए हैं, अभी एक पॉइंट और करा, अभी कितने हुए, 4 हुए, एक और करें या मोर देन सफिशेंट है? बस बहुत है, पहले का मैं कौन सा कंसेप्ट मिसिंग है अभी आपका, ऑल प्रवेसिव वाला? मैंने ये लो बेटा, ऑल प्रवेसिव लिख लो। और बेटा एक बार ध्यान से सुन लो, आज हमने क्या किया, मैनेजमेंट का मीनिंग, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने गोल्स को अफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव कर रहे हैं। अफेक्टिव का मीनिंग क्या है, राइट टाइम। एफिशिएंट का मीनिंग क्या है, मिनिमम कॉस्ट।
फंक्शन याद किए, गोल ओरिएंटेड, ऑल परवेसिव, कॉन्टिन्यूस, और लास्ट में जो अभी समझाया वो कौन सा बताया? मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन, आपको अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना है। किसी का कुछ मिस हो गया तो वो मुझे बता दे, मैं वो स्लाइड दिखा देता हूँ। अदरवाइज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।